तो कैसे हो? ठरकियों और मुठबाजों फुल स्पीड में हिला रहे हो कि नहीं? आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिसे देखकर आपके अंदर करंट दौड़ने लगेगा, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा और आपका पलंग हिलने लगेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बत्ती बुझा लें और हाथ में तेल लगा लें। लेकिन सफर पर चलने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ड्राइवर अपनी हाथ गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो अगर रूम का जुगाड़ है और बंदी तैयार है तो करते हैं शुरू। कर्नल क्राइम्स ये साल 1991 में आई एक एरोटिक थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी एक हौसी महिला की है जिसका पति हमेशा अपने काम में बिजी रहता है और इस हौसी महिला की तड़पती प्यास को नहीं बुझाता है। हौसी महिला हमेशा चाहती है कि उसका पति उसके साथ चादर में गद्दर मचाए और उसे रॉकेट की सवारी कराए। लेकिन हौसी महिला गलत कदम तब उठाने लगती है जब उसका पति उसे जवानी की आग में तड़पने के लिए छोड़ देता है और उंगली करने के लिए मजबूर कर देता है। यानी कि हौसी महिला की जब दमदार ठुकाई नहीं होती है तो वह बाहर मुंह मारने लगती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हौसी महिला किस किस को देती है और कैसे कैसे रॉकेट की सवारी करती है तो आपको ये मूवी देखनी होगी। वाइल्ड ऑर्किड ये साल 1989 में आई एक एरोटिक मूवी थी। मूवी की कहानी एमली नाम की एक लड़की की है जो अभी तक कुंवारी है और लॉ फर्म में काम करती है। दरअसल एमली को एक काम की वजह से रियो जाना पड़ता है जहां वह एक कपल को एक दूसरे के साथ चुमा चाटी और घपाघप करते देखती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है बेंचो जब एक आदमी अपनी वाइफ को एमली के सामने ही ठोकने लगता है। इन सारे चद्दर में गद्दर मचाने वाले सीन को देखकर जवान लौंडिया के अंदर का हौसी जानवर जागने लगता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उंगली करने वाली लौंडिया के ताला में सबसे पहले चाबी कौन डालता है तो आपको ये मूवी देखनी होगी। बोलेरो ये साल 1984 में आई एक एडल्ट रोमांटिक मूवी थी। मूवी की कहानी एक हाउसी लौंडिया की है जो ग्रेजुएट होने के बाद अपने सपनों का राजकुमार खोजने निकल पड़ती है। जैसा कि हर पापा की परी का सपना होता है कि उन्हें कोई ऐसा मिले जो उन्हें ढेर सारा प्यार करे और उनकी तबीयत से बजाए, तो इसी तरह का ठरक से भरा हुआ सपना इस मूवी के लौंडिया का भी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मदमस्त जवानी में तड़पती लौंडिया का प्यास कौन बुझाता है तो आपको ये मूवी देखनी होगी। वैसे मूवी में ढेर सारा पप्पू पेलू वाला सीन है तो चुपचाप मूवी देखें और किसी कुंवारी कन्या की प्यास बुझाएं। दि सेंसुयस नर्स ये साल 1975 में आई एक एडल्ट कॉमेडी मूवी थी। मूवी की कहानी एक बहुत ही ठरकी बुढ़े की है जिसका दोनों पैर कब्र में लटका हुआ है। लेकिन साला हाउसी बुढ़ा इस उम्र में भी कई कच्ची कलियों को फूल बना चुका है। हद तो तब हो जाती है बेंचो जब ठरकी बुढ़ा एक औरत की ले रहा होता और बुढ़े की तबीयत खराब हो जाती है। बाद में इस लौड़ू बुढ़े की देखभाल के लिए मदमस्त जवान और रस से भरी हुई एक नर्स को बुलाया जाता है। साली कातिल नर्स अपने शरीर का सब कुछ बुढ़े को दिखाती है ताकि बुढ़ा ठीक हो जाए और नर्स की तबीयत से बजाए। वैसे ये नर्स सिर्फ एक नर्स नहीं है बल्कि एक सरकारी योजना है जिसका फायदा परिवार के सभी लोग उठाना चाहते हैं। हॉट गर्ल वांटेड ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है जो पोर्न इंडस्ट्री पर आधारित है। क्योंकि मेरे चैनल पर झाटू और मुठबाज लोगों की भरमार है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आऊं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि पोर्न इंडस्ट्री में ढेर सारा पैसा और ढेर सारा पेला पेली है यानी कि लाइफ एकदम सेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोर्न इंडस्ट्री में कितना पैसा मिलता और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये सब इसमें दिखाया गया है। पोर्न इंडस्ट्री के दलदल में लड़कियां कैसे फंसती हैं और किस एज ग्रुप की लड़कियों का डिमांड इसमें सबसे ज्यादा है ये सब भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसमें कुछ पोर्न स्टार का इंटरव्यू लिया गया है जो आपको पोर्न इंडस्ट्री के बारे में बहुत नजदीक से बताएगी और आपके वहम को दूर करेगी, क्योंकि जो हम पर्दे पर देखते हैं वो असल नहीं होता है बल्कि पर्दे के पीछे एक अलग खेला होता है। तो मैं सभी लौड़ू लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं।